हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम कर रहे हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस का हमारा चैप्टर टू चल रहा है और हम सीक्वेंसेस कर रहे हैं। सुबह मैंने जो कराया था वो आपका जो थ्योरम थी उसे कराया था, इंटरवल थ्योरम, या कह सकते हैं कि कैंटोर इंटरसेक्शन थ्योरम। अब हम जो कराएंगे वो सीक्वेंसेस के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में केवल क्वेश्चंस बचे हैं और उसके बाद हम इसका एमसीक्यू कराएंगे। तो केवल क्वेश्चन कौन से बचे हैं, आज ये क्वेश्चंस लगा दूंगी कन्वर्जेंस वाले, जो कि शो करने वाले होते हैं क्वेश्चन लिमिट्स के, और कल जो हम कराएंगे कोई कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है उसे निकालने के क्वेश्चंस हो जाएंगे, दो पार्ट में, सुबह और शाम। फिर उसके बाद हम परसों लाएंगे एमसीक्यू, ठीक है, और हमारा सेकेंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज मैंने ये बना रही हूं मैं क्वेश्चंस के लिए प्रॉब्लम। कल जो होगा सुबह शाम जो वीडियो डलती है उसमें हमारे कन्वर्जेंट के ही क्वेश्चंस होंगे दोनों वीडियो में, और परसों हमारे फिर से वो क्या हो जाएंगे, एमसीक्यू हो जाएंगे। अगर इसके बीच में आप सीक्वेंसेस से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमें शो करना है शो दैट कि सीक्वेंस जो है 1/n हैज द लिमिट जीरो, हैज द लिमिट जीरो। तो इसे देखिए कैसे प्रूव करेंगे, देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसको। हमने कहा है कि देखिए लिखने के तरीके देख लेना कैसे है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ये हमने क्या करा, गिवन है, ठीक है, ये हमेशा गिवन होता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हम ऐसे लिखते हैं ना, एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, उसी के विहाप पर हम चलेंगे। तो एस एन कितना है, 1/n, लिमिट कितनी है यानी कि एल की वैल्यू है जीरो, इज लेस देन एप्सिलॉन। कब, जब हमारा इसे सॉल्व करोगे तो 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब हम ये कब होता है, जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m होता, तो m f के लिए चूज करेंगे, m के लिए चूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस चूज ए पॉजिटिव इंटीजर m, यानी कि m इज ग्रेटर देन, ठीक है, इससे पहले थोड़ा सही से करके लिख लेते हैं, यानी कि एप्सिलॉन करके लिख लेंगे, इस n को इधर ले जाएंगे और एप्सिलॉन को इधर ले जाएंगे, तो 1/ε इस, यानी कि n की वैल्यू 1/ε से बड़ी होगी। तो इसी तरीके से हम m की वैल्यू क्या हो गई, 1/ε से बड़ी, क्योंकि n की वैल्यू बड़ी है। अब देखिए किस तरीके से दिखाएंगे, हम दिखाते हैं 1/n माइनस जीरो, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/n की हुई, और हम जानते हैं 1/n यानी कि 1/m की वैल्यू बड़ी हुई, क्योंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और अपोजिट कर दोगे तो ये 1/m बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और जो कि लेस देन है एप्सिलॉन के, यानी कि हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस 1/n जो है वो कन्वर्जेंस है किसके, जीरो के। अगर कुछ और देखिए, एक तरीका और होता है दिखाने का, कैसे, सिंपल सा तरीका होता है, लिमिट एस एन इज इक्वल टू एल होता है, ये एल जो वैल्यू आएगी वही आएगी, एस एन कितना है, 1/n, लिमिट 1/n, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखते हैं, 1/0 यानी कि, सॉरी 1/∞ यानी कि जीरो, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, जीरो। ये एक आसान तरीका होता है निकालने का, ये बाई मैथड होता है तरीका निकालने का, यानी कि एग्जाम में अगर आप जल्दी जल्दी निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन कन्वर्जेस टू जीरो। पहले मैं देखिए इस वाले मेथड से कराती हूँ, जो शॉर्ट वाला मेथड है। शॉर्ट वाले मेथड में क्या है कि लिमिट एस एन इज इक्वल टू एल होती है, यानी कि एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो होगा 1/2 की पावर एन, देखिए 1/2 की पावर एन, यानी कि अगर हम लिखेंगे तो लिमिट, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 1/2 की पावर इन्फिनिटी, किसी की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, 1/∞ यानी कि जीरो, ये आ गया इसका कन्वर्जेंस में, ठीक है। अब हम इसे लॉन्ग मेथड से करके दिखाते हैं, जैसे सिंपल एक मेथड होता है, हम कह रहे हैं एस एन माइनस एल, एस एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिये ये एस एन माइनस जीरो, एस एन कितना है, 1/2 की पावर एन है, तो हम क्या ले सकते हैं कि 1/2 की पावर एन माइनस जीरो यानी कि लेस देन एप्सिलॉन। अब मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने का यानी कि मैं लॉग ले लूं तब ये सही हो जाता है, लॉग वन, पहले मैं इसको इधर ले जाती हूँ, इसको यहां ले जाती हूँ तभी हम सॉल्व करेंगे, तो 1/ε
ग्रेटर देन 2 की पावर n। अब ले लेती हूँ log 1 अपॉन एप्सिलॉन log, देखिए पावर में है तो आगे आ जाएगी n 2, मुझे तो n की वैल्यू निकालनी होती है, n log 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 2। तो मैं कह रही हूँ कि जो n की वैल्यू बड़ी होगी किसी 1 अपॉन एप्सिलॉन से, फिर से हम क्या करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर क्या लेते हैं m लेते हैं, ए पॉजिटिव इंटीजर m, और उस m को भी दिखाते हैं m इज ग्रेटर देन log 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 2। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि क्योंकि हमारा n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है, तो हम क्या करते हैं Sn माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी Sn है वो कन्वर्जेंस किसके जीरो के है। ये लिखने का तरीका, अगर वैसे आप करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन है हमारा फाइंड n बिलोंग्स टू कैपिटल n, m है ये, m बिलोंग्स टू कैपिटल n सच दैट 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस 2 इज लेस देन 1 अपॉन 5 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि हमें फाइंड करना है m की वैल्यू कि ये इससे बड़ी है ये वाली, आप साइन करेंगे तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस 2 लेस देन 1 अपॉन 5, इसे और सॉल्व करके लिखते हैं 2n माइनस 2n माइनस के 3 तीन नीचे अपॉन n प्लस 3 लेस देन 1 अपॉन 5, इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, 2n 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 6 है क्योंकि मॉड में तो 6 ही होता है, तो हम क्या इसको ऐसे लिखते हैं 6 अपॉन n प्लस 3 इज लेस देन 1 अपॉन 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, करते हैं सॉल्व, इसे n 5 छंक 30 हो गया और ये हो गया n प्लस 3, अब मैं दोनों तरफ से घटाऊंगी यानी कि 3 इधर से 3 इधर से 27 और ये हो गया n, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन है 27। अब हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, इफ वी टेक पॉजिटिव इंटीजर m देन m इज ऑल्सो ग्रेटर देन बाई 27। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है यानी कि हमने लिया 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस 2 लेस देन 1 अपॉन 5 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी माननी चाहिए, एप्सिलॉन की वैल्यू मेरे पास 1 अपॉन 5 आई, यानी कि मैं कम से कम लीस्ट वैल्यू m की क्या ले सकती हूँ फॉर m, देखिए 27 से बड़ी यानी कि लीस्ट वैल्यू m की वैल्यू कितनी हो गई 28। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे m, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए मैं इसमें कैसे जो है रख के दिखाऊंगी आपको, ये हो गया आपका, देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मुझे तो फाइंड करना था m की वैल्यू, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn कितना है 2n अपॉन n प्लस 3 क्योंकि Sn माइनस l होता है। अब मैं n कॉमन ले लेती हूँ, n यहां से कॉमन लिया, n यहां से कॉमन लिया, 1 प्लस 3 अपॉन n हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है, n से n गायब हो गया, अब मैंने लिमिट रख दी तो ये बना 2 1 प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 2 बाई 1 प्लस 0 यानी कि 2, यानी कि लिमिट कितनी हो गई 2, आंसर आ गया 2, और वैसे भी आप देख सकते हैं यहां पर कितना है 2 है। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन यह है Sn इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर सॉरी 2 की पावर n नहीं 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए फिर से इसमें लिमिट क्या दे रखी है, कन्वर्जेंस टू 1 हमें प्रूव करना है, कन्वर्जेंस टू 1 है यानी कि Sn माइनस l, Sn कितना वैल्यू दे रखी है, Sn है 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर माइनस 1, ये n स्क्वायर माइनस 1 माइनस के कन्वर्जेंस 1 दे रखा है लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको सॉल्व करते हैं 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, तो 2n स्क्वायर गायब हो गया, 2 अपॉन 2n स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इसे थोड़े से सॉल्व कर लेते हैं, 2 इधर हो गया, एप्सिलॉन
टू एन स्क्वायर माइनस के एप्सिलॉन, ठीक है। तो टू प्लस एप्सिलॉन टू एन स्क्वायर हो गया, टू प्लस एप्सिलॉन अपॉन टू एप्सिलॉन एन स्क्वायर हो गया, यानी कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई अंडर रूट टू प्लस एप्सिलॉन अपॉन टू एप्सिलॉन। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम इसे फिर से वैसे लिखेंगे, हम करेंगे यहां कर देती हूं, इफ वी टेक पॉजिटिव इंटीजर m, देन m इज ऑल्सो m इज ग्रेटर देन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन। और मुझे देखिए इसकी कैसे लिखानी पड़ेगी, फिर से वही लिखेंगे कि एस एन माइनस एल, यानी कि 2 एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हमारा कन्वर्जेंस क्या हो गया, 1 हो गया, 2 1। अगर वैसे दिखाती हूँ, शॉर्ट ट्रिक में दिखाती हूँ कि कन्वर्जेंस 1 कैसे आएगा। देखिए यहां पर करके दिखा देती हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए मैं यहां से 2 एन स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर हो गया, इधर भी एन स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 आएगा ना, 2 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कैंसिल हो गए। जब हमें लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, लिमिट आ जाएगी कन्वर्जेंस टू 1। ये वैसे के वैसे आ जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरा, एस एन गिवन है 3n, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ही आता है, हैज द लिमिट 3। देखिए कैसे करेंगे, एस एन माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि 3n अपॉन n प्लस 5 n टू द पावर हाफ माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यानी कि 3n माइनस 3n माइनस 5 या 15 n की पावर हाफ अपॉन n प्लस 5 n टू द पावर हाफ लेस देन एप्सिलॉन, 3n से 3n कट गया। अगर देखे तो ये हटाएंगे तो ये आ गया आपका n प्लस 5 n टू द पावर हाफ, ठीक है। यानी कि अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 15 अपॉन n टू द पावर हाफ, ठीक है। मतलब अगर हम लेस देन वैल्यू लें, ये लेस देन है, लेस देन वैल्यू लें तो 15 ऊपर वाली वैल्यू और ये वाली पार्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि मेरा 15 एन टू द पावर हाफ अपॉन एन प्लस 5 एन टू द पावर हाफ इज लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है, और तो 15 अपॉन एन टू द पावर हाफ इज ऑल्सो लेस देन, ये है। इसको हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि मुझे n टू द पावर हाफ हटाना और n की वैल्यू चाहिए, तो 225 बटे n इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, यानी कि n इज ग्रेटर देन 225 अपॉन n एप्सिलॉन का स्क्वायर, इससे बड़ा होगा। फिर से वही चीज लिखनी है कि हम एक पॉजिटिव इंटीजर m कंसिडर करते हैं, m इज ऑल्सो ग्रेटर देन 225 अपॉन एप्सिलॉन के स्क्वायर, यानी कि एस एन माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि कन्वर्जेंस टू 3। बस यही हमारा क्वेश्चन है। आपके लिए मैं दो क्वेश्चन दे देती हूँ, दो क्वेश्चन है मेरे, एन टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल एन प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल एन, ये आपको निकाल के बताना है कि ये कितना कन्वर्जेंस है, किसके कन्वर्जेंस, ये तो गिवन है, ये वाला कन्वर्जेंस बताना है। अगली वीडियो के साथ कल फिर से क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर कुछ और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।